हेलो 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 हेलो, चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे मित्र। आज एक ऐसे चीज की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, मेंसुरेशन की आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपके लिए अपना गुरुकुल वो हर चीज की व्यवस्था किया है जिसके आप पात्र हैं। सबसे पहले चाहे YouTube क्लास हो, चाहे आपका ऐप वाली क्लास हो, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आप बस देखिए और समझिए। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आप बस देखिए और समझिए। क्यों? क्योंकि अपना गुरुकुल आपको थ्योरी का PDF देगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी थ्योरी लिखना है वो PDF पर लिखना है, तो PDF का भी आपको मैं थ्योरी का भी PDF दूंगा, साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी PDF मैं आपको दूंगा। एक भी चीज आपको नहीं लिखना है, बस लाइव होकर के जम के पढ़ाई करना है, जम के सिर्फ देखना है, सिर्फ आपको बोर्ड देखना है और समझते रहना है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अर्थमेटिक का क्लास नहीं होगा, सब होगा, अर्थमेटिक और एडवांस सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब एकदम रेगुलर आपको हर चीज पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई नहीं है जिस चीज का क्लास नहीं होगा। अपना गुरुकुल आपकी सेवा में अपना अंतिम प्रयास लगा देगी, मैंने आपको हमेशा कहा है, ठीक है। और अभी मैं आपके सामने क्लास लेकर रेडी हो गया हूं। आइए तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक बेहतरीन पैकेज, एक बेहतरीन मेरे मित्र हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, देखिए आपके लिए क्वेश्चन भी आ गया है मेरे मित्र। आप लोग बस यूं ही लगातार बने रहें, लगातार देखते रहें, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन डाउनलोड हो रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको जो रिक्वेस्ट करना है कीजिए मेरे मित्र, मैं आपकी सेवा में हर चीज के लिए रेडी हूं। विश्वनाथ कुमार, विक्रांत कुमार गुप्ता, जो भी लोग कुछ भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं लिखिए, मैं आपको थ्योरी का भी PDF दूंगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी PDF दूंगा, हर चीज का मैं आपको PDF दूंगा। और अगर कुछ आप चाहते हैं तो बोलिए। मोहित कुमार सिंह कह रहे हैं कि अर्थमेटिक का क्लास नहीं होगा, अर्थमेटिक का भी क्लास होगा, सब चीज का क्लास होगा। जब मैंने फ्री टारगेट बैच देने का वादा किया है तो मैं फ्री टारगेट बैच आपको पूरा समाप्त करूंगा, आप उसके लिए ना घबराएं, ये मन से आप निकाल दें। दूसरा चीज, और कुछ बात करें दोस्त, और कुछ पूछना है किसी को, और कुछ कोई पूछना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच का ऑफर अभी भी है। फाउंडेशन बैच का ऑफर जब तक लॉकडाउन है तब तक ऑफर रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक लॉकडाउन है आपके फैमिली, आपके गार्जियन, आपके घर के मुखिया, उनके इनकम का स्रोत बंद है। जब तक लॉकडाउन है इनकम का स्रोत बंद है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए इस ऑफर को तब तक के लिए मैं रखूंगा, जब तक कि इस ऑफर को मैं तब तक के लिए रखूंगा जब तक कि मेरे मित्र लॉकडाउन है। बस आप लोग जम के पढ़ाई करिए। देखिए, आप लोगों से बात करने के चक्कर में मैं बोर्ड पर क्वेश्चन भी नहीं भेजा आप, ठीक है। देखिए, मैं सब कुछ आपको दूंगा, सब कुछ, अपना गुरुकुल, हम सबका गुरुकुल। हाँ मेरे मित्र, आप सबका गुरुकुल है। YouTube पर मैथ्स टारगेट का प्लेलिस्ट बना दीजिए। मोहित कुमार सिंह, मैं आज बैठकर प्लेलिस्ट बना देता हूं, आप चिंता ना करें, मैं आज बैठकर प्लेलिस्ट बना देता हूं, आप चिंता ना करें, ठीक है। चरण चैप्टर में आप बोले कि एग्जाम में मॉडिफिकेशन वीडियो देंगे, अभी अपलोड नहीं हुआ है। देखिए, ट्रेन में मेरे मित्र, ट्रेन टॉपिक में मैंने आपको एक एक चीज पढ़ा दिया, ट्रेन टॉपिक में मैंने आपको एक एक चीज पढ़ा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ ट्रेन टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। जल्दी कीजिए, आ गया। देखिए दोस्त, अब यही चीज मैं आपको कह रहा था कि अपना गुरुकुल आपके लिए क्या व्यवस्था किया है। देखिए, आज स्केलेन ट्रायंगल शुरू करूंगा। यहां देखिए,
एक एक क्वेश्चन का मेरे मित्र देखिए ये पीडीएफ है, मैं इस पर सॉल्व करूंगा और हूबहू यही चीज आप तक पहुंच जाएगा, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए मैं समय ना गवाते हुए स्टार्ट करता हूं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। पहले ब्लैंक पीडीएफ लेता हूं जिस पर मैं थ्योरी लिखूंगा। तो चलिए मेरे मित्र, आप हैं तैयार, हम भी हैं तैयार, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आप लोग जरा सा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्त के ग्रुप में, अपने अपने व्हाट्सएप, अपने अपने फेसबुक ग्रुप में। देखिए हमारा टॉपिक है स्केलेन ट्रायंगल। मेरे मित्र स्केलेन ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है पहले तो हमें यह समझना चाहिए। देखिए स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु है, स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या मेरे मित्र? विषम बाहु त्रिभुज, है ना। एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, आप घबराइएगा नहीं, बस मजे से आप देखते चलिए, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज, देखिए सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है, तीन साइड से घिरे हुए पार्ट को हम ट्रायंगल कहते हैं, या तीन साइड से घिरे हुए एरिया को हम ट्रायंगल कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह आ जाता है कि सर ये ट्रायंगल क्या है, सर ये त्रिभुज क्या है। मेरे मित्र मैं आपके सामने हर चीज एक एक बात बताऊंगा, बस आप पेशेंस रख के देखना। देखिए सबसे पहले त्रिभुज क्या है, तो सुनो ये देख रहे हो तीन साइड से, ये तीन साइड आपके सामने है, सुनना, तीन साइड तीन भुजा से जो क्षेत्र घिरा हुआ है वो क्षेत्र त्रिभुज है। जैसे आज इस तीन भुजा से मेरे मित्र ये क्षेत्र घिरा हुआ है, ये क्षेत्र घिरा हुआ है, हम इस क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं मेरे मित्र, ये एरिया त्रिभुज है, है ना। जबकि बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये जो पतली तार है ये त्रिभुज है, पतली तार त्रिभुज नहीं है दोस्त, वो भुजा है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज मतलब एरिया, क्षेत्र। तो तीन भुजा से जो क्षेत्र बंद है उस क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अब आप कहोगे सर अगर यह एक त्रिभुज है, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो एसी भुजा है, ये जो ए बी भुजा है, ये बी सी भुजा है, सर अगर मैं ए बी ए सी और बी सी, मैं अगर इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के बाउंड्री पर एक राउंड चलूं तो वो क्या कहलाएगा? तो सर चाहे वो त्रिभुजाकार क्षेत्र हो, चाहे वो चार भुजा वाला क्षेत्र हो, अगर आप बाउंड्री पर एक राउंड चलते हैं तो उसे हम परिमाप कहते हैं, है ना, परिमाप कहते हैं। तो मेरे मित्र ये लीजिए, मैं आपके सामने सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ? पेरीमीटर लिख रहा हूँ मेरे मित्र, परिमाप लिख रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखो ये पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है बाउंड्री पर एक राउंड चलना। तो एक राउंड चलिए, आइए यहां से शुरुआत करते हैं। यहां से यहां आ गए, ए बी आ गए, तो लिखिए ए बी। मेरे मित्र यहां से यहां चले गए, बी सी आ गए, तो लिखिए बी सी, ठीक है। फिर यहां से सी से ए पर आ गए, ये ए सी हो गया, तो लिख दीजिए ए सी, ठीक है। तो ये मेरे मित्र याद रखिए, किसी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का योग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात बताऊं, कहिए क्या, किसी त्रिभुज में शीर्ष ए के सामने की भुजा को छोटी ए से सूचित करते हैं, शीर्ष बी के सामने की भुजा को छोटी बी से सूचित करते हैं, शीर्ष सी के सामने की भुजा को छोटी सी से सूचित करते हैं, तब तो मेरे मित्र हम क्या कह सकते हैं, हम ए बी को, ए बी को क्या लिख सकते हैं, हम ए बी को छोटी सी के रूप में लिख सकते हैं, ए बी मतलब छोटी सी, और बी सी क्या है, ए, तो बी सी हमारा है ए, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, बी, तो मेरे मित्र बी। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सजा के लिख दूंगा तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यस और नो, आप कहेंगे यस सर, किसी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का योग होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और एक बात बताऊं सर, परिमाप को हम 2s से सूचित करते हैं, परिमाप को हम 2s से सूचित करते हैं। अब देखो मैं एक एक चैप्टर समाप्त कर रहा हूं दोस्त, अब देखिए इसी में मेंसुरेशन में ही सब चैप्टर को अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर समाप्त करूंगा, आप टेंशन नहीं लो मेरे मित्र सुधांशु कुमार, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं जानता हूं तीन वीडियो रुका हुआ है इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो,
मेरे मित्र वो तीन वीडियो ऐसे भी मेरे ऊपर खुद प्रेशर बना हुआ है, मैं उस तीन वीडियो को जितना जल्दी हो सका हम अपलोड करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अभी तक जो असुविधा हुआ है उसके लिए हमें खेद है, उसके लिए मेरे मित्र हमें क्षमा कर दीजिए, ठीक है। मैं अपनी जो भी हमसे आपके लिए आपकी सेवा में हमसे जो कमी रह गया है मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करता हूँ सुधांशु, प्लीज आप लोग नाराज मत होइएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कुंदन कुमार, अगर ऐसा कुछ भी है तो ऑफिस वाले नंबर पे कॉल कीजिए, वीडियो नहीं चल रहा है तो आप कुछ नहीं करिए। दो तीन दिन पहले हम ऐप को पर अपडेट करवाए हैं, कुछ कुछ चीज नया जोड़े हैं, तो ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिएगा, वीडियो हनाहन चलेगा, ठीक है। देखिए परिमाप को मेरे मित्र हम 2S से सूचित करते हैं, परिमाप को हम 2S से सूचित करते हैं, तब तो मेरे मित्र हमारे पास क्या हो गया, 2S बराबर A प्लस बी प्लस सी हो गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तब तो मेरे मित्र मैं अगर S बराबर निकालना चाहूंगा तो ये A प्लस बी प्लस सी दो इधर आके बट्टे में आ जाएगा। मेरे मित्र ये जो चीज मैं आपको बताया इसको जरा परखिए, ये क्या चीज है। आप कहिएगा 2S क्या होता है, तो परिमाप को ही हम 2S से लिखते हैं, परिमाप को ही 2S से लिखते हैं। तो जब 2S बराबर परिमाप हो सकता है तो क्या S बराबर क्या होगा? तो सर ये परिमाप का तो आधा हो गया है, इसको हम अर्ध पेरीमीटर कहते हैं, इसको मेरे मित्र हम इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर का हिंदी क्या बनता है? अर्ध परिमाप कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं, ये बात अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। त्रिभुज के परिमाप को 2S से सूचित करते हैं, 2S बराबर A प्लस बी प्लस सी होता है, तो S बराबर होगा A प्लस बी प्लस सी बटा दो। मेरे मित्र ये छोटा सा चीज को आप अपने दिलो दिमाग में रखिएगा, चलते हैं हम यहां आगे, यहां से आगे आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आइए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए मयूरी और मुग्धा वाला सवाल उसी तीन वीडियो का बात मैं किया हूं विक्रांत कुमार गुप्ता, वही तीन वीडियो की हम बात कुछ देर पहले किए हैं। अगर आप अभी इस तरह का मैसेज करने लगिएगा, मैं एक बार पहले ही कह दिया कि मेरे मित्र असुविधा अभी तक जो भी हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बावजूद उसके भी अगर आप इस तरह का मैसेज लगातार करिएगा तब तो हम ये समझेंगे कि आप हमको डिस्टर्ब करने आए हैं, आप हमको इरिटेट करने आए हैं। हालांकि हम अब आपसे इरिटेट होंगे नहीं, हम अब आपसे क्या बोलते हैं डिस्टर्ब होंगे नहीं, ठीक है। मेरे मित्र मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं वो जो वीडियो नहीं दिया हूँ मेरे लिए टेंशन बना हुआ है, प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है तो आप बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, आप किसी भी चैनल पे पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, आपके कारण सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। इरिटेट मत करिए, किसी भी चीज़ को खराब मत कीजिए, ठीक है। आइए देखिए चलते हैं, आइए बात करते हैं, बढ़ता हूँ आगे। हाँ सर बढ़िए, कोई बात नहीं, परिमाप की बात कर लिया। अब मेरे मित्र हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे की बात बताते हैं। मेरे मित्र आपके सामने मैं यहां पर लिख रहा हूं एस्केलेन, ठीक है, एस्केलेन। सभी दोस्त मेरे जरा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखो एस्केलेन, ठीक है, एस्केलेन, एस्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, एस्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। मैं आपके लिए एक बात बताता हूं, कहिएगा क्या सर, ये तो मैं जान गया कि तीन भुजा से घिरी हुई त्रिभुज को, तीन भुजा से घिरी हुई त्रिभुज को, हाँ हाँ बनाएंगे संजीत वीडियो बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। देखिए हम सब वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। किसी भी तीन भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, आप सभी जानते हो, आप कहोगे जी सर, लेकिन सर उस त्रिभुज में आखिर क्या ऐसी क्वालिटी आ जाता है कि उसका नाम एस्केलेन ट्रायंगल हो जाता है? तो सुनिए, एक ऐसा ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है ना, यानी तीनों भुजा में कोई भी भुजा बराबर नहीं होता, इसकी अपनी अलग लंबाई, इसकी अपनी अलग लंबाई और इसकी अपनी अलग लंबाई। जैसे इसको मैं ए कह रहा हूं, ये बी है और ये सी है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग लेंथ का हो जाए,
जिस त्रिभुज की तीनों साइड अलग अलग लंबाई का हो हम उसे एस्केलेन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। मैं सिंपल सा मेरे मित्र यहां पर डेफिनेशन भी लिख देता हूं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लें। जिस ट्रायंगल की तीनों भुजा, एक एक बात समझो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग लंबाई का हो, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड अलग अलग लंबाई का हो, ठीक है, अलग अलग लेंथ का हो, हम उसे एस्केलेन ट्रायंगल कहते हैं, हम उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। सर तो हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे मेंसुरेशन में आखिर ये जो आप पढ़ा रहे हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग हो हम उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, तो मेंसुरेशन में विषमबाहु त्रिभुज से कैसा कैसा प्रश्न आता है? तो मेंसुरेशन में हम अभी 2D पढ़ रहे हैं, 2D में सिर्फ एरिया पढ़ेंगे और परिमाप पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे और पेरीमीटर पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे और परिमाप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आइए मेरे मित्र हम यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे की बात आपको समझाते हैं। आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है और देखना है। देखिए मेरे मित्र, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज सामने लिख रहा हूं, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, चाहे कोई भी त्रिभुज, ठीक है। देखिए जिस त्रिभुज में, मेरे मित्र आप सभी देखना, वैसा त्रिभुज जिसका मेरे मित्र बेस दिया रहे, जिसका मेरे मित्र बेस दिया रहे मतलब आधार दिया रहे, और इस आधार के सामने वाले शीर्ष पर इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, यानी अल्टीट्यूड, इसी को अल्टीट्यूड कहते हैं। ये मेरे मित्र परपेंडिकुलर है, लंब है, एकदम ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसे हम लंब कहते हैं, या मेरे मित्र आप इसे हाइट भी कह सकते हो, कहने का हम इसे हाइट भी कहते हैं, ठीक है। हाइट का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई भी कहते हैं मेरे मित्र, इसको हिंदी में सिर्फ लंब भी बोलते हैं, ठीक है, लंब कहिए या हिंदी में मेरे मित्र आप इसको सिर्फ लंब कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम मजे से देखते रहो। और बेस का मीनिंग क्या होता है, आधार होता है, इसको आप आधार कहिए, ठीक है। तो मेरे मित्र हाइट को h से हम सूचित कर देते हैं, अब बेस को किससे सूचित कर देते हैं, बेस का पहला लेटर b से सूचित कर देते हैं। जानते हो दोस्त, अगर किसी त्रिभुज में एक बेस और हाइट दे दे, किसी त्रिभुज का एक भुजा दे दे और उस भुजा के सामने वाले शीर्ष से उस पे लंब डाल दे, तो इसका एरिया क्या होगा, जानते हो, ये जरूरी नहीं है कि यही बेस कहलाएगा, इन तीनों में से कोई भी बेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाता हूं, यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भी बेस हो सकता है, जैसे कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे मित्र ऐसा ट्रायंगल रहा, ठीक है, जिसमें हमें ये साइड दिया हुआ है, मान लो कि अभी हमें बेस ये दिया हुआ है, ठीक है, और इस याद रखना जो भी भुजा दिया रहेगा तो उसके सामने वाले शीर्ष, भुजा के सामने वाले शीर्ष से अगर उस पर लंब डाल दिए, ठीक है, तो यही मेरे मित्र मेरा हाइट हो जाएगा और इसका भी एरिया वही होगा जो मेरे मित्र उसका एरिया होगा। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रायंगल इस तरह से हो लेकिन इस ट्रायंगल में इस शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाला जाए, यानी ये लंब दिया रहे और इसकी भुजा मेरे मित्र ये बी दिया रहे। तो याद रखना त्रिभुज का कोई भी भुजा आधार हो सकता है बशर्ते उसके सामने के शीर्ष से उस पर लंब डाला जाए। तो त्रिभुज के जिस भुजा पर सामने के शीर्ष से लंब डालेगा वही आधार कहलाएगा और वो लंब ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है ना। और मेरे मित्र याद रखना ऐसे त्रिभुज का एरिया क्या होता है, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे तीन भुजाओं के अंदर कितने एरिया बंद रहते हैं, ये कितना क्षेत्र है, वो क्षेत्र निकालने के लिए 1/2 और गुने बेस गुने हाइट, है ना, गुने बेस गुने हाइट, ये आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, अच्छी तरह से आपको पहले से मालूम होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलो हो गया दोस्त, इतनी बात कर लिए, अब हम सवाल पे आते हैं, सवाल देखते हैं। अगर किसी त्रिभुज का आधार दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे, तो इसकी एरिया क्या होगी, आइए हम उस सवाल पे आते हैं, ठीक है, लीजिए।
एक सवाल है आपके सामने, ये थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पे क्वेश्चन, थ्योरी होगा क्वेश्चन होगा, आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, एरिया होगा एक बट्टा दो गुने आधार गुने ऊंचाई, एक बट्टा दो गुने आधार गुने ऊंचाई, एक बट्टा दो गुने आधार गुने ऊंचाई, एक बट्टा दो गुने आधार गुने ऊंचाई। ये रहा आपका सवाल, पहला सवाल लीजिए आपके सामने, ये रहा पहला सवाल। मेरे मित्र ध्यान से इस प्रश्न को देखो, देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न हमसे कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार 15√3 सेमी है और संगत ऊंचाई 8√3 सेमी है, तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। लो मेरे मित्र आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं, बस आप ढंग से देखते रहना, समझते रहना, ठीक है। ये आपके सामने मेरे मित्र एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, इसका मेरे मित्र आधार कितना दिया हुआ है, 15√3 सेमी इसका आधार दिया हुआ है, और इसकी संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई का मतलब हुआ आधार के सामने वाले शीर्ष से इस पे लंब डाल दिए हैं, और यही लंब दिया हुआ है 8√3 सेमी। तो लीजिए ये आपका लंब दिया हुआ है, ये मेरे मित्र आधार दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार करेंगे तो 15√3 सेमी हो जाएगा, और इंटू ऊंचाई करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा 8√3 सेमी। मेरे मित्र वेरी क्लियर सॉल्व करेंगे, ये 2 से मेरे मित्र कट जाएगा 4 बार में, तो सबसे पहले 15 चौके कितना, तो 15 चौके 60 और इंटू √3 × √3 हो जाएगा 3 सेमी स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 180 सेमी स्क्वायर। वेरी क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक सौ अस्सी कहीं आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लगातार मेरे मित्र इसी तरह से आप बने रहेंगे तो लगातार आपको मजा आता रहेगा। थोड़ा शेयर करिए, लोगों को जोड़िए जिससे आपको बहुत मजा आए और हमें भी अच्छा लगे क्लास कराने में। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल मेरे मित्र ये रहा, जरा सा इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए मेरे मित्र, एक ही कंसेप्ट से हम लोग बहुत सवाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेमी और ऊंचाई है 12 सेमी, अच्छी बात है, एरिया निकल ही जाएगा। अब कहता है एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार 20 सेमी है। मेरे मित्र यहां 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये जिसका मेरे मित्र आधार दिया हुआ है 15 सेमी, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी दिया हुआ है 12 सेमी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है तो एक ऐसे त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, मतलब इसकी ऊंचाई मेरे मित्र हमसे पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई क्या होगा यदि इसका आधार 20 सेमी है, 20 सेमी। साथ ही साथ हमसे ये कहा कि दूसरे त्रिभुज का एरिया पहले त्रिभुज के एरिया का 2 गुना है, तो बोलिए इस त्रिभुज का एरिया क्या लिखेंगे, आधार और ऊंचाई मालूम है तो त्रिभुज का एरिया बनेगा 1/2 और गुने आधार और गुने में क्या, गुने मेरे मित्र ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, ये हुआ इस त्रिभुज का एरिया। इसका एरिया क्या होगा, 1/2, इसका भी आधार दिया हुआ है 20 सेमी, और मेरे मित्र इसका हाइट कितना दिया हुआ है एच फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये दूसरे वाले त्रिभुज का जो एरिया है वो पहले वाले त्रिभुज के एरिया के 2 गुने के बराबर है। जैसे ही 2 गुने के बराबर करेंगे मेरे मित्र 1/2 से 1/2 चला गया, ठीक है। साथ ही साथ और कोई कटने वाला है, हाँ सर कटने वाला तो है, ये देखिए 5 × 15 और 5 × 20 और मेरे मित्र 4 से काट देंगे 4 × 12, तो फाइनली होगा 3 × 9, 9 × 2 कितना 18, 18 सेमी हो जाएगा बराबर एच। ये अच्छी तरीके से मेरे मित्र आप ध्यान रखना, 18 सेमी 18 सेमी 18 सेमी, यही इस प्रश्न का आंसर होगा जो वेरी बेहतरीन होगा, जो वेरी बेहतरीन होगा। सुजाता कुमारी, अजीत कुमार सब लोग आंसर लेके आ रहे हैं, सबको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्या है मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो यहां पर मेरे मित्र हमें क्या कह रहा है, जरा इसको समझना। ये कहता है किसी त्रिकोण की 2 संलग्न भुजा, किसी त्रिभुज की 2 लगातार भुजा
5 सेमी और 8 सेमी है और उनके बीच का कोण पाई बाय 6। पाई का मतलब होता है 180, है ना, और 180 बटा 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। उनके बीच का कोण 30 डिग्री है तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। अब देखिए, पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं, तब जाकर के आपको कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीज आपको बुझाएगा, है ना। आइए फिर अब थ्योरी की ओर चलते हैं, थ्योरी उसके बाद इसको क्वेश्चन करेंगे। एक थ्योरी किए दो क्वेश्चन, फिर दूसरा थ्योरी करेंगे फिर दो क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन, सॉरी थ्योरी पे आते हैं। अब मेरे मित्र, इसके आगे हम जब अगले थ्योरी की ओर चलते हैं, आपको मैं अब दिखाता हूं एक छोटा सा चीज मेरे मित्र, अब आपको समझना होगा क्या, साइन रूल। क्या समझना होगा? साइन रूल। अब देखिए ये साइन रूल क्या है, यहां लिख देता हूं। साइन रूल का हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोण, ध्यान से देखो, किसी त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीनों भुजा, किसी त्रिभुज के तीनों साइड और तीनों एंगल और तीनों साइड के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए ठीक है, दिखाने के लिए साइन रूल का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइन रूल का हम प्रयोग क्या चीज के लिए करते हैं और क्यों करते हैं। तो मेरे मित्र समझिए, साइन रूल क्या होता है, मैंने क्या कहा, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण में संबंध दिखाने के लिए साइन रूल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए साइन रूल क्या होता है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। मेरे मित्र, ये अपने पास एक त्रिभुज है जिसमें दोस्त मेरे ये ए, ये बी और ये सी क्या है, एक त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए के सामने की भुजा को छोटी ए लिखिए, है ना, शीर्ष बी के सामने की भुजा को छोटी बी लिखिए और शीर्ष सी के सामने की भुजा को छोटी सी लिखिए, क्या इसमें कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं। तो देखिए साइन रूल क्या होता है, साइन रूल भुजा और कोण में संबंध होता है। ये देखिए ये कौन सा कोण है, कोण ए है, ये मेरे मित्र कौन सा कोण है, कोण बी है, ये कौन सा कोण है मेरे मित्र, ये कोण सी है। तो आप एक लफ्ज में यहाँ पे कहिएगा कि मास्टर जी अगर हम कोण और भुजा में संबंध दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो सर ए बटा साइन ए, मतलब जिस भुजा को उठाएंगे उसके सामने का एंगल लेंगे, ठीक है। फिर देखिए दोस्त मेरे बी बटा साइन बी, है ना, बी बटा साइन के साथ सामने वाला एंगल। फिर देखिए सी बटे, तो सी बटे सी के सामने का एंगल साइन के साथ, ठीक है। तो क्या कहा, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी। तो मेरे मित्र लीजिए ए और बटे में मेरे मित्र साइन ए ले लिया, ए भुजा लिया बटे में साइन, अब ए भुजा लिया बटे में साइन, तो एंगल क्या लें, तो इसी ए के सामने का एंगल, तो ए के सामने का एंगल क्या है, तो ए है, तो ये ए ले लीजिए। फिर बी और बटे साइन ऑफ कौन सा एंगल, तो भुजा बी लिए हैं तो बी के सामने ये एंगल साइन बी, मेरे मित्र ये बी हो जाएगा। फिर साइड सी लीजिए, बटे में साइन ऑफ कौन सा एंगल, तो सी के सामने का एंगल ये कौन सी, ये कौन सी हो जाएगा। याद रखना ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी, मेरे मित्र यही तीनों बराबर होता है, जो किसके बराबर होता है, 2R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2R के बराबर होता है। अब आप कहिएगा सर ये 2R क्या होता है, सर ये R होता है सरकम रेडियस, ये क्या होता है सरकम रेडियस, क्या होता है दोस्त सरकम रेडियस, है ना, परित्रिज्या, परित्रिज्या। तो कहिएगा ये परित्रिज्या कहाँ से आता है, तो सुनिए, जिस त्रिभुज की आप साइन रूल लिखते हैं उसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरने वाले वृत्त की जो त्रिज्या होती है यही मेरे मित्र परित्रिज्या होती है, यही परित्रिज्या है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, तीनों कोण और तीनों भुजा में संबंध दिखाएंगे, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी, है ना, ए बटा साइन ऑफ एंगल ए, बी बटा साइन ऑफ एंगल बी, सी बटा साइन ऑफ एंगल सी, तीनों इक्वल होता है।
और आप जानते हैं जब भी हम किसी दो चीज का रेशियो लेते हैं तो रेशियो कुछ न कुछ आएगा ना, तो वही मेरे मित्र 2R होता है जो एक तरह का कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है ना। अब देखिए इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, किस चीज के लिए करना है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहां ध्यान से देखना मेरे मित्र, एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं उस सवाल पे आऊंगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान दो, भानु प्रताप सिंह, ध्यान से देखना है, समझना है मेरे मित्र। अभी आपको समझना है, कुछ लिखना नहीं है, सारे लोगों को समझना है, बस देखना है, ठीक है, सबको सिर्फ समझना है। अब देखो मेरे पास मेरे मित्र एक ट्रायंगल है। आप कहोगे हाँ जी सर ट्रायंगल है, मैं समझ गया। अब अगर ये ट्रायंगल है मेरे मित्र, ये मेरे पास कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। आपको पता है ए के सामने ये छोटी ए, मेरे मित्र बी के सामने की भुजा को छोटी बी, कोण सी के सामने की भुजा को छोटी सी, यस और नो? आप कहेंगे यस सर। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अभी अभी मैंने क्या क्या लिखा साइन रूल में, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी, है ना। तो मेरे मित्र हाँ, ये भुजा लेंगे तो सामने का ये कोण लेंगे, ये भुजा लेंगे तो सामने का ये कोण लेंगे, ये भुजा लेंगे तो सामने का ये कोण लेंगे। ध्यान से देखना, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी, कहोगे यस सर। तो सी बटा साइन सी, यस और नो? कहेंगे यस सर। जब ये तीनों हम रेशियो लगाएंगे तो इसके बराबर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू तो होगा ही? आप कहेंगे हाँ सर। तो इसके बराबर जो 2R होता है वो 2R एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को तो कैसे भी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख दो, आप 2R भी लिखो कोई आपत्ति नहीं है, 2R एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक अचर मान है, तो हम कोई सा भी अचर मान रख दिए हैं, क्योंकि किसी भी रेशियो को सॉल्व करने से कोई ना कोई कॉन्स्टेंट मान तो आएगा ही आएगा, इसका भी इसका भी इसका भी, तीनों इक्वल है तो तीनों के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू सेम है, तो तीनों के लिए हम के मान लिए हैं। तो जब ये तीनों का कॉन्स्टेंट वैल्यू के है तो आप ही जरा बताइए, अगर मैं बारी बारी से के बराबर करूंगा, बारी बारी से मैं इसे के बराबर करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? तो कहिएगा a बटा साइन a बराबर अगर आप k करेंगे तो a बराबर हो जाएगा k इंटू साइन a, यस और नो? यस। फिर देखिए b बटा साइन b बराबर k करेंगे तो हो जाएगा b बराबर k इंटू साइन b, ध्यान से देखना। उसी तरह से अगर c बटा साइन c को k के बराबर करेंगे तो c बराबर हो जाएगा k इंटू साइन c, क्या कोई आपत्ति है? कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं अब ये क्यों कर रहा हूं वो अभी दिखाता हूं मेरे मित्र। मैं चाहता हूं ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाए, तो आप क्या कहिएगा, तो सर के साइन ए अनुपात के साइन बी और अनुपात हो जाएगा के के साइन सी, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो ए के लिए के साइन ए, बी के लिए के साइन बी, सी के लिए के साइन सी। तो देखिए मेरे मित्र इससे के से के क्या हो गया, कट गया, तो फाइनल हो गया ए बी और सी का रेशियो बराबर मेरे मित्र ये आ गया हमारे पास साइन ए, ये हो गया मेरे पास साइन बी और ये मेरे पास हो गया साइन सी। मेरे मित्र छोटे से रिजल्ट को आप अपने दिलो दिमाग में रखिएगा, कहिए कैसे दोस्त मेरे यही वो रिजल्ट है जो किसी त्रिभुज के तीनों कोण का तीनों भुजा से रिलेशन दिखाता है ना। अगर त्रिभुज का तीनों कोण मालूम रहेगा यहां बैठा दीजिएगा तीनों भुजा का अनुपात आ जाएगा, क्या कह रहा हूं, त्रिभुज का तीनों कोण मालूम रहेगा आप यहां बैठा दीजिएगा तीनों भुजा का रेशियो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं इसको 90 कह दूं और इसको मेरे मित्र सुनना, इसको मैं 60 कह दूं और अगर इसको मैं 30 कह दूं तो जरा देखो क्या होता है, इसी पर जरा बैठाओ। तो अगर मैं इस पर बैठाता हूं तो ध्यान से देखना ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर साइन ऑफ ई साइन ए होता है तो ए के सामने का एंगल क्या है 90, यहां पे 90 ले लीजिए। फिर साइन बी तो भैया बी के जगह पर बी के सामने का एंगल क्या है 60, मेरे मित्र यहां पे 60 लीजिए। फिर साइन लास्ट में सी है तो सी के सामने का एंगल क्या है 30, तो मेरे मित्र यहां 30 ले लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए साइन 91 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 30 होता है 1/2, है ना 1/2। तो मेरे मित्र इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या है
कुछ नहीं तो वन है। तो अब इसको स्टैंडर्ड रेशियो में कैसे बदलते हैं, तो आप रेशियो पर पोर्शन पढ़े होंगे। इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदलने के लिए दो दो और एक का लॉस दो होगा, दो से सब में गुना कर देंगे, ये बन जाएगा दो, ये बन जाएगा रूट थ्री, ये बन जाएगा वन। मेरे मित्र ये बात आप अच्छी तरह से याद रखना, ये देखो ए बी और सी आ चुका है, ए बी और सी का रेशियो आ चुका है। तो आपने फाइनली क्या देखा, ए के लिए दो आ गया है, ए के लिए मेरे मित्र दो आ गया है, बी के लिए रूट थ्री आ गया है, बी के लिए रूट थ्री आ गया है, और सी के लिए मेरे मित्र वन आ गया है, सी के लिए वन आ गया है। जानते हो हमेशा दुनिया के किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90, दूसरा 60 और तीसरा 30 है, तीनों मिला के तो 180 होना ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं अरे भैया ये तो समकोण त्रिभुज है ना। हाँ सर, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण देकर अगर तीनों भुजा का हमें संबंध जानना होगा तो याद रखना कि है जब किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोण 90, 60 और 30 रहेगा तो ध्यान रखना 30 के सामने 1, 60 के सामने रूट थ्री और 90 के सामने 2 होता है। 60 के सामने रूट थ्री, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2 होता है। इससे मेरे मित्र तीनों भुजा आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बस अपना गुरुकुल पर आप भरोसा रखिए, अपना गुरुकुल पर विश्वास करिए, मैं आपको वो हर चीज दे दूंगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। मैं कह रहा हूं पहले ही कुछ नहीं करना है, न स्क्रीनशॉट करना है, कुछ भी नहीं करना है, मैं सब कुछ आपको दूंगा, सिर्फ समझते रहना है, ठीक है। चल तो आगे चलते हैं, ठीक है आगे चलते हैं, बस आपको समझते रहना, ध्यान दो। अब मेरे मित्र हम यहां पर आगे चलते हैं, एक और पता नहीं क्यों मेरा मन करता है बता दूं, एग्जामिनेशन में ये बार बार दिखता है। क्या कभी कभी मेरे मित्र आपको ये दिखेगा, यहां ध्यान देना, कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि एक त्रिभुज का एक कोण मेरे मित्र 120 डिग्री दिख जाएगा और बाकी दो कोण 30-30 डिग्री दिख जाएगा, है ना। ऐसी स्थिति में तीनों भुजा का क्या रेशियो होगा, हमें ये याद रखना चाहिए। तो अभी जरा देखो, आज मैं मेरे मित्र एबीसी एक त्रिभुज है, ए के सामने ये छोटी ए, बी के सामने ये छोटी बी, और कोण सी के सामने की भुजा को हम छोटी सी। जानते हो छोटी ए क्या है, बीसी का लंबाई, छोटी बी क्या है, एसी का लंबाई, छोटी सी क्या है, ए बी का लंबाई, है ना। हम फिर मेरे मित्र चलते हैं, तीनों भुजा का संबंध निकालते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, सामने देखो फॉर्मूला है, लिखेंगे साइन ए है, यहां ध्यान देना, ध्यान देना सभी लोग, यहां पर ए है तो देखो ए के सामने का एंगल ए है, तो मेरे मित्र ए के लिए साइन ए, तो ए के सामने का एंगल क्या है, 120, 120 रख दो। फिर देखो साइन बी है, तो मेरे मित्र बी के सामने का एंगल क्या है, 30, तो 30 रख दो। फिर देखो सी है, तो साइन सी, तो साइन, और मेरे मित्र देखो सी के सामने का एंगल साइन सी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा है, थोड़ा सा हाँ, अब ठीक है मेरे मित्र, ध्यान से, हाँ अब जरा ध्यान से देखो, तो कहेगा सर सी, तो सी के सामने का एंगल भी 30 है, आप यहां 30 रख दीजिए। मेरे मित्र मैं आपको दिखाता हूं, बस ध्यान दो, आइए देखिए, समदर्शी कुमार मैं सबका नाम ले रहा हूं, ध्यान दो। अब देखो साइन 120 होता है मेरे मित्र रूट 3/2, है ना, साइन 30 होता है 1/2, और यहां भी साइन 30 होता है 1/2, तो मेरे मित्र 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, कहेंगे जी सर। तो फाइनली यहां पर ए बी और सी मेरे पास आ गया, रूट 3 अनुपात 1 अनुपात 1। आप गौर से देखो कि आखिर हुआ क्या, तो आप लोग गौर से देखोगे तो यही कहोगे कि मास्टर जी अभी जो हुआ वो ये हुआ कि 120 के सामने रूट 3 नजर आएगा, 30 के सामने मास्टर जी 1 नजर आएगा, और 30 के सामने भी 1 नजर आएगा। मतलब क्या हुआ, 30 के सामने 1 1, तो 30 के सामने ये भी 1, 60 30 के सामने ये भी 1, है ना, ये भी 1, और 120 के सामने ये रूट 3। याद रखना ये बड़े काम का चीज है, जब आप हेक्सागन पढ़ोगे तो इसकी वहां जरूरत पड़ेगी, मैं वहां बोलूंगा 120 30 30 है, बोलो 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, 120 के सामने रूट 3। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मास्टर जी साइन 120 का मान कैसे हो गया रूट 3/2। लो साइन 120
मेरे मित्र इसको हम लिखते हैं क्या 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं? आप कहोगे जी सर लिख सकते हैं। तो बोलो साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा। तो भैया अब कॉस 30 का मान तो रूट 3 बाई 2 होता ही है, इसलिए मैंने लिखा कि साइन 120 का मान रूट 3 बाई 2 होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत किसी बच्चे को किसी भाई को नहीं दिक्कत हो रहा होगा। आप लगातार देखिए लगातार समझिए, क्या इतनी सी बात समझ में आई? यस और नो? आप कहेंगे यस सर। अब देखो दोस्त मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूं, कहिए क्या दिखाइएगा? यहां तक क्लियर है? याद रखना 120 30 और 30 में 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, 120 के सामने रूट 3, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? अगर याद रहेगा तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सारे वैल्यू पर होगा, विक्रांत कुमार गुप्ता ये सारे वैल्यू पर होगा, आप घबराओ नहीं, सारे वैल्यू पर होगा, ठीक है? 90 75 15 पर भी होगा, आप सब वैल्यू को रख करके चेक कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है? आओ देखो ध्यान दो। अब ध्यान देते हैं दोस्त, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर, एकदम गौर से देखो, बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी समकोण त्रिभुज में आएंगे तो इसका हम और डिटेल करेंगे, ठीक है? अब देखिए मेरे मित्र, मैंने अभी जो आपको बताया है उसके लिए मैं एक छोटा सा चीज बताता हूं। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ए के सामने छोटी ए, बी के सामने छोटी बी और सी के सामने छोटी सी। जानते हैं किसी त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम है? अब मैं आपके सामने जो चीज लिखने जा रहा हूं उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा मेरे मित्र। जानते हैं ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये इस त्रिभुज का सरकम सर्कल है, परिवृत्त है, याद रखना परिवृत्त है। तो कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, हाँ सर, और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या भी होगा, हाँ सर। इसलिए मैंने अभी लिखा था क्या, अभी लिखा था साइन रूल में, यहां देखो अभी तुरंत मैं मेरे मित्र साइन रूल में ये चीज लिखा था। मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूं, चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता, क्वेश्चन उड़ा देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये चीज होता क्यों है। मैं हर दिन 2 घंटा पढ़ाऊंगा, 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ाऊंगा, 11 से 1 पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है? जो आपको समझना चाहिए कम से कम वो जरूर समझाऊंगा, ठीक है? हालांकि उतना तो नहीं पढ़ा सकता जितना फाउंडेशन में पढ़ाता हूं, क्योंकि उतना वक्त नहीं रहता है और उतना यूट्यूब पे आप झेल भी नहीं सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी उतना जरूर पढ़ा दूंगा कि नौकरी हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन बना दोगे। तो अभी टारगेट बैच में हमारा एक ही उद्देश्य है कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे कि हमारा रिजल्ट हो जाए, ठीक है? अब देखिए दोस्त मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी सर, ए बटा साइन ए, ठीक है मेरे मित्र, बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी। ओके, जो भी भुजा लेते हैं उसके सामने के एंगल, जो भी भुजा लेते हैं साइन के साथ उसके सामने का एंगल, जो भी भुजा लेते हैं साइन के साथ उसके सामने का एंगल, ए लिए तो साइन ए, बी लिए तो साइन बी, सी लिए तो साइन सी। मेरे मित्र इतना बराबर क्या होता है? तो सर ये तीनों बराबर होता है और इसके बराबर क्या होता है? 2R। इसके बराबर क्या होता है? 2R। क्या इसमें कोई आपत्ति किसी भी भाई को है? कोई आपत्ति किसी भी भाई को? आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, ना नहीं। तब तो मेरे मित्र ये तीनों बारी बारी से किसके बराबर है? तीनों बारी बारी से 2R के बराबर है, यानी कि हम a बटा यहाँ पे साइन a बटा साइन a है, इसको भी हम किसके बराबर लिख सकते हैं? 2R के बराबर लिख सकते हैं। यस और नो? यस। तो अब आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, इसको यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ, तो हो जाएगा a बाई 2R बराबर क्या हो जाएगा? साइन a बराबर क्या हो जाएगा? साइन a। मेरे मित्र छोटा सा चीज को आप ध्यान रखिएगा, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इससे आपका काम चल जाएगा। यस और नो? आप कहेंगे यस सर है, आप कहेंगे यस सर। अब देखिए दोस्त मेरे, हाँ, आप काहे घबरा रहे हो? गुरुजी आप अपना बुक लिखिए, हम जरूर बहुत जल्द बुक लिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है? डोंट वरी, हम बहुत जल्द बुक लिखेंगे। अब देखिए मेरे मित्र मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, अब हम उस निष्कर्ष पे आ गए हैं। कहिए सर आप उस निष्कर्ष पे आ गए हैं, मतलब मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूं मेरे मित्र, कंसेप्ट नंबर 2। पहला कंसेप्ट क्या पढ़ाया था? पहला कंसेप्ट पढ़ाया था किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दे दे तो उसकी एरिया क्या होगी? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब लिख रहा हूं कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 ये कहता है, ये देखिएगा ध्यान से, किसी त्रिभुज
किसी त्रिभुज की दो भुजा और किसी त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण और उसके बीच का कोण दिया रहे तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है ना। डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है दोस्त मेरे भाई जरा ध्यान दो, उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है क्षेत्रफल होगा। अब देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, बड़ा ध्यान से आप सबको देखना है। देखिए होता क्या है दोस्त, जैसे कि आपके सामने एक त्रिभुज रहेगा, ठीक है वो क्या करेगा है देखिए, ये साइड ए दे देगा, ये बी दे देगा और इसके बीच का एंगल थीटा दे देगा, ठीक है। या मेरे मित्र ऐसा करेगा, कोई त्रिभुज है वो क्या करेगा, एक साइड बी दे देगा, एक साइड सी दे देगा और बीच का एंगल दे देगा। या मेरे मित्र कोई त्रिभुज ऐसा ले लेगा जिसमें मेरे मित्र ये देखिएगा, ये ए दे देगा और ये सी दे देगा, इसके बीच का एंगल दे देगा, एरिया क्या होगा। याद रखिएगा, किसी त्रिभुज में दो भुजा और बीच का एंगल मालूम हो, दो भुजा और बीच का एंगल मालूम हो, दो भुजा और बीच का एंगल मालूम हो, तो इसका मेरे मित्र एरिया क्या होगा, इसका एरिया वेरी सिंपल होगा, एक बट्टा दो आसपास के भुजा का गुणनफल यानी ए गुना बी इंटू साइन के साथ बीच का एंगल थीटा। फिर देखिए इसका भी एरिया क्या होगा, मेरे मित्र वही एरिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक बट्टा दो आसपास के साइड का गुणनफल बीसी और इंटू साइन के साथ बीच का एंगल थीटा। फिर देखो इसका एरिया क्या लिखेंगे, एक बट्टा दो आसपास के साइड का गुणनफल एसी और साथ में साइन के साथ बीच का एंगल थीटा, निकल गया है ना। यानी कि एक बट्टा दो आसपास के साइड का गुणनफल इंटू साइन के साथ बीच का एंगल, एक बट्टा दो आसपास के साइड का गुणनफल इंटू बीच में साइन के साथ बीच का एंगल, है ना। एक बट्टा दो आसपास के साइड का गुणनफल इंटू साइन के साथ बीच वाला एंगल, है ना। एक बट्टा दो आसपास के साइड का गुणनफल इंटू साइन के साथ बीच वाला एंगल। अब रही बात कि ये कारवां आया कहां से, इसीलिए मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं। देखिए ये सिचुएशन कहां से आया, किसी एक को प्रूफ कर देता हूं, सबको प्रूफ नहीं करूंगा, जो आपको जानना चाहिए वो, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा वो प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है। उसके लिए तो फिर ऐप पर इनरोल होना पड़ेगा, है ना, उसके लिए ऐप पर टाइम, क्योंकि यूट्यूब पर उतना पर्याप्त टाइम नहीं रहता है, ओके। अब देखो मेरे मित्र, मेरे पास एक त्रिभुज है, मैं आपके सामने बहुत सिंपल सी बात करता हूं, कहिए क्या, मेरे मित्र मुझे ना ये साइड ए दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे मेरे मित्र ये साइड मेरे को बी दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल मेरे को थीटा दिया हुआ है, बस। अब मुझे कहता है कि बताओ सर इसकी एरिया क्या होगी, बस इतना हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, इतना। अब मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं बस वो समझिएगा। आप मेरे मित्र क्या पढ़े हो, कहोगे सर मास्टर जी आपने तो यही पढ़ाया है, अगर किसी त्रिभुज का आधार दिया रहे और सामने के शीर्ष से अगर उस पर लंब डाल दिया जाए और अगर हमें वो लंब मालूम रहे तो उसका एरिया हम निकल सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारे पास आधार ए और ऊंचाई एच रहता, तो एरिया क्या होता सर, एक बट्टा दो गुना आधार और गुना ऊंचाई होता, एक बट्टा दो गुना आधार गुना ऊंचाई होता, लेकिन ये ऊंचाई तो हमको मालूम है ही नहीं, हमें तो सिर्फ आधार मालूम है। तो मेरे मित्र हम ये ऊंचाई निकाल लेंगे, कहिए कैसे निकाल लेंगे वो दिखाता हूं। आप मेरे मित्र इस समकोण त्रिभुज में चलिए, इस समकोण त्रिभुज में चलिए, इसमें। अब जब आप इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है, बोलिए इस समकोण त्रिभुज में क्या मालूम है, तो 90 के सामने हम कर्ण जानते हैं, 90 के सामने कर्ण जानते हैं और थीटा के सामने लंब जानते हैं। तो मेरे मित्र हमें निकालना है लंब, हमें मालूम है कर्ण, तो याद है त्रिकोणमिति पढ़े हैं, अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण दे दे, 90 के सामने कर्ण दे दे और यदि हमें लंब निकालना हो तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, तो सर साइन में होता है, तो लिखो साइन थीटा बराबर, तो मेरे मित्र होगा साइन थीटा बराबर लंब और बटे कर्ण, यानी हो जाएगा एच और बटे में बी, है ना, एच बटे में बी। अगर मैं क्रॉस गुना करता हूँ, एच गुना एक मेरे मित्र एच होगा और बी गुना साइन थीटा, ई हो जाएगा बी साइन थीटा। यस और नो, आप कहोगे यस सर, तो देखो ऊंचाई निकल गया, तो अब वही ऊंचाई बैठा दो इसमें।
आप जैसे ही बैठाओगे एक बटा दो ये हो गया ए, और मेरे मित्र एच का मान वहां से बैठा देते हैं बी साइन थीटा, बैठा दिए तो देखो क्या बना, एक बटा दो ए बी साइन थीटा। बोलो बना कि नहीं बना, अरे बना कि नहीं बना, आप सभी कहोगे यस सर बिल्कुल बन गया है, एकदम बन गया है, एक बट्टा दो आसपास के साइड का गुणनफल इनटू साइन के साथ बीच का एंगल, एक बट्टा दो आसपास के साइड का गुणनफल और इनटू साइन के साथ बीच वाला एंगल, यानी एक बट्टा दो ए बी साइन थीटा। बोलिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे जी सर एकदम प्रूफ हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रूफ हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे मित्र अब सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। याद रखना दो भुजा और बीच का एंगल दिया रहे तो एरिया बनेगा एक बट्टा दो ए बी साइन थीटा, या सीधे सीधे ऐसे ध्यान रखना अपने भाषा में, एक बट्टा दो आसपास के साइड का गुणनफल इंटू साइन के साथ बीच वाला एंगल, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मेरे मित्र ये रहा क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजा पांच और आठ है और उसके बीच का कोण 30 डिग्री है तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा। ले भैया ले ले ले, यहां देख कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आसपास की भुजा 5 सेमी और 8 सेमी है, ठीक है, और मेरे मित्र इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो मेरे मित्र इस त्रिभुज का एरिया वेरी सिंपल होगा, क्या, एक बटा दो, ध्यान देना एक बटा दो, ए एक बटा दो आसपास के साइड का गुणनफल यानी 5 सेमी और इंटू 8 सेमी और साथ में साइन के साथ बीच वाला एंगल 30 डिग्री, ठीक है। हम जैसे ही सॉल्व करेंगे ये दो से कट गया चार बार में, मेरे मित्र पांच चौको क्या हो जाएगा 20 सेमी स्क्वायर और इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 2 से कटेगा 10 बार में, आंसर आएगा 10 सेमी स्क्वायर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 10 10 10 10 10 10 10 10 10 बस मेरे मित्र इसी तरह से बने रहिए, इसी तरह से चलते रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं एक दिन में एक टॉपिक मेरे मित्र मेंसुरेशन के अंदर खत्म होगा, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत बड़ी टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखते हैं अच्छे से। पिंकी कुशवाहा है, ठीक है, सभी लोग ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपना देखिए अपना गुरुकुल परिवार आप लोगों की सेवा में सदैव हाजिर था, हाजिर है और आगे भी हाजिर रहेगा, जब से ये चला है तब से आपकी सेवा में जबरदस्त रोल अदा करेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग से आपको कोई समस्या फिलहाल नहीं होगा, फिलहाल मतलब फिलहाल मैं आपको मैथ्स रीजनिंग से ही सेवा दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में और भी सब्जेक्ट जुड़ेगा। और सेट का टाइम है रात में 9 बजे, रात के 9 में जरूर जुड़िए महादंगल में, रात के 9 बजे जरूर जुड़िए महादंगल में, ये है महामैराथन और वो होगा महादंगल, है ना, 9 बजे महादंगल। देखो एक फिर से एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। लिखा किसी त्रिभुज की दो लगातार भुजा की लंबाई 18 सेमी और 24 सेमी है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो बताइए त्रिभुज का एरिया, हे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2/3 कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मेरे मित्र, हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजा, एक मेरे मित्र 18 सेमी है और एक मेरे मित्र मेरे पास 24 सेमी है, ठीक है, और इन दोनों भुजा के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, इन दोनों भुजा के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे मेरे मित्र, हम इसका एरिया निकालने जाएंगे तो एक बट्टा दो आसपास के साइड का गुणनफल यानी 18 सेमी और मेरे मित्र हो जाएगा 24 सेमी और इनटू साइन के साथ बीच का एंगल ये होगा 60 डिग्री। तो मेरे मित्र ये देखो एक बट्टा दो और गुने है, एक बट्टा दो बच्चा थोड़ी है बार बार लिखेगा क्या, नहीं सर काटो यही पे काटेंगे सर, ये 9 होगा तो मेरे मित्र 9 गुना 24 हो गया 216, 216 सेमी स्क्वायर, सेमी गुना सेमी सेमी स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2, 2 से ही कट जाएगा 108, फाइनल आंसर आ जाएगा 108√3 सेमी स्क्वायर। जानते हो 108√3 सेमी स्क्वायर आंसर कब आता, जब सीधे क्षेत्रफल पूछता तब, लेकिन हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल का 2/3 कितना होगा,
तो मेरे मित्र क्षेत्रफल का दो तिहाई कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा 108 रूट थ्री मेरे मित्र इसका हमें दो तिहाई निकालना होगा। अब तीन से इसको काटेंगे हो जाएगा 36, तो 36 दुना कितना 72, 72 रूट थ्री सेमी स्क्वायर ये आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे मित्र, लाइक साइक का सिलसिला जारी रखिए। और आज तो मेरे मित्र आप लोग कम लोग हैं, कल की क्लास में इससे ज़्यादा होना चाहिए, कल की क्लास में इससे ज़्यादा होना चाहिए। डेली 11 से 1 में हम आपको सेवा देंगे, बेहतरीन सेवा देंगे। आइए चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हो गया ये? हाँ सर हो गया। अब मेरे मित्र मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जरा इस क्वेश्चन को देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 इस अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेमी है तो फिर त्रिभुज की है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। मेरे मित्र एक बात बताऊं, सबसे पहले आप इस रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो में बदलिए। तो इसको स्टैंडर्ड रेशियो में कैसे बदलेंगे, तो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़े होंगे कि नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 से सब में गुना करते हैं, 12 से इसमें भी गुना करेंगे, 12 से इसमें भी गुना करेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो हो जाएगा 6, 4 और 3, यही हो जाएगा त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई हम जानते हैं और हमें परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है, तो मेरे मित्र अगर मैं अनुपात की राशि x मानने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट जोड़ लो, तो मेरे मित्र परिमाप क्या हो जाएगा, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि परिमाप कुछ और नहीं तीनों भुजा का योग होता है, तो 6, 4, 10 और 3, 13 13 यूनिट परिमाप हो जाएगा, और यही परिमाप दिया हुआ है कितना 52 सेमी दिया हुआ है। तब तो मेरे मित्र एक यूनिट का मान कितना होगा 4 सेमी, और हमसे क्या पूछा है सबसे छोटी भुजा 3 का मान 1/4 सेमी, तो 3/ क्या होगा 12 सेमी हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। वेरी क्लियर वेरी क्लियर वेरी क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सी नंबर आंसर बच्चे सभी दे रहे हैं, सबका सही हो रहा है, सबका सही हो रहा है, कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, बस ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही आप लोग देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये देखो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से कुछ ऐसा ही सवाल है, एकदम सेम सवाल है। अब देखो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। मेरे मित्र लिखा है एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 1/4, 1/6 और 1/8 है, परिमाप इतना है, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर क्या होगा, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बदलिए, स्टैंडर्ड रेशियो में बदलिएगा तो नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, 6, 4 और 8 का एलसीएम 24 होगा। मेरे मित्र 24 से आप सब में मल्टीप्लाई करें, 24 से इसमें भी मल्टीप्लाई करें और 24 से इसमें भी मल्टीप्लाई करें, जैसे ही 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे मित्र क्यों 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि नीचे वाला से कट जाए, क्योंकि नीचे वाला सबका एलसीएम ही 24 है, तो 4 6 24 6 4 24 8 3 24, फिर से मेरे मित्र तीनों भुजा का सेम अनुपात हो गया है ना, इसी का है ना, तो त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात मिल गया। अब हमें परिमाप दिया है, तो आप तो जानते हैं कि सर त्रिभुज का परिमाप एक्चुअली होता क्या है, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल और कुछ भी नहीं, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल, तो 6, 4 और 3 यानी कितना 13 हो गया पैरामीटर, और यही 13 पैरामीटर दिया हुआ है 91 सेमी, तो एक यूनिट का मान हो जाएगा यहाँ पर 7 सेमी। अब 1/7 सेमी, तो कहा सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर बताइए, तो देखिए सबसे बड़ी भुजा 6 है, सबसे छोटी भुजा 3 है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 3, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर होगा 3 यूनिट। तो आप ही बोलिए, एक यूनिट का मान 7 है तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 21 सेमी हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। 21 21 21 21, वेरी क्लियर वेरी क्लियर वेरी क्लियर। चलिए बहुत अच्छे दोस्त मेरे, इसी तरह से आप लोग आंसर देते रहिए, लगातार चलते रहिए। आप लोगों का आज लाइव भले ही कम है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अर्थमेटिक का क्लास अर्थमेटिक का क्लास अभी एडवांस चल रहा है,
तो फिर भी एक अर्थमेटिक एक एडवांस होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चाहेंगे तो उसके अलावे भी हम अर्थमेटिक का क्लास भी देंगे, अलग से अर्थमेटिक का क्लास देंगे। दो दिन तांडव तो होगा ही, शनिवार रविवार। अगर एडवांस रेगुलर चलेगा तो अर्थमेटिक तांडव में चलेगा, अगर अर्थमेटिक तांडव में चलेगा तो एडवांस रेगुलर चलेगा। इसी तरह से वीडियो भी अपलोड होगा, साथ ही साथ क्लास भी चलेगा, 11 से 1 और रात में 9 से 10:30। आप मेरे साथ समय जरूर बिताइए मेरे मित्र, आपका मैथमेटिक्स बहुत ही शानदार हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है। अब देखिए आपके सामने मेरे मित्र लिखा है, कहिए क्या अगले क्वेश्चन लिखा है, किसी त्रिभुज की भुजा का अनुपात 2, 3 और 4 है, अगर उस त्रिभुज का परिमाप 18 है तो बताइए सर त्रिभुज का एरिया क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कहिए क्या सर तीनों भुजा का योग ही परिमाप होता है, तो लीजिए तीनों भुजा को जोड़िए, 3 2 5 और 5 4 9, तो परिमाप हो गया 9, और यही जो परिमाप 9 हुआ है वो दिया हुआ कितना है, 18 दिया हुआ है, तब तो एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक यूनिट का मान 2, तो 2 यूनिट का मान हो गया 4 सेमी, है ना, 3 यूनिट का मान हो गया 6 सेमी, और मेरे मित्र 4 यूनिट का मान हो जाएगा 8 सेमी, ठीक है। तो अब मेरे मित्र क्या है कि आज हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है मेरे भाई, एक ऐसा त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसका हम तीनों भुजा जानते हैं, एक भुजा 4 सेमी जानते हैं, एक भुजा मेरे मित्र 6 सेमी जानते हैं, और एक भुजा 8 सेमी जानते हैं। जानते हो आज त्रिभुज का तीनों साइड दिया है, ना कि आधार ऊंचाई दिया है। अगर आधार ऊंचाई देता तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई एरिया कर लेते, दो भुजा बीच का कोण देता तो 1/2 AB साइन थीटा कर लेते, लेकिन आज तीनों भुजा दे दिया है, यानी यह एक अलग टाइप का सवाल हो गया। आइए अब हम इसके लिए एक और थ्योरी पढ़ते हैं, छोटा सा थ्योरी मेरे मित्र मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब तब क्या होगा, तब किसी त्रिभुज का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहां ध्यान से देखिए, जब कभी भी ऐसा हो जाए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग दिया रहे, AB और C, किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग मालूम रहेगा मेरे मित्र, इसे हम कहते हैं कंसेप्ट नंबर 3, ठीक है, कंसेप्ट नंबर 3 हो गया। अब 3 कंसेप्ट नंबर 3 क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्या कि जब किसी त्रिभुज, ध्यान से देखो, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजा, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दिया रहे, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दिया रहे, तीनों भुजा दिया रहे और तीनों भुजा दिया रहे और वह पाइथागोरस का पालन ना करे, और वह पाइथागोरस का पालन ना करे, पाइथागोरस को फॉलो ना करे, ठीक है, ना करे, तो ऐसे त्रिभुज का एरिया, ऐसे त्रिभुज का एरिया मेरे मित्र हम हीरोन्स फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है, किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से। अब सबसे पहली बात मेरे मित्र मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कहिएगा क्या बताना चाहते हैं सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग दिया रहेगा तो पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि पाइथागोरस का पालन कर रहा है या नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि किसी दो को स्क्वायर करने से देखिएगा क्या तीसरे के भुजा के बराबर हो रहा है, जैसे आज बी और सी को स्क्वायर करूँ तो क्या ए के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, या मेरे मित्र मैं अगर यहाँ पर ए और सी को स्क्वायर करके जोड़ूँ तो क्या वो बी के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। अगर इनमें से कोई ना हो, है ना, इनमें से ये ना रहे, अगर ये ना रहे मेरे मित्र, अगर ऐसा है, अगर ऐसा पालन हो रहा है तो ऐसी दशा में क्या होगा। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग हम कब करते हैं, उल्टा रूल नहीं लिखाता हूँ, रूल सीधा लिखाता हूँ, जब किसी त्रिभुज की किसी दो भुजा का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर ना हो, दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर ना हो, दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर ना हो, जब किसी त्रिभुज के दो भुजा का स्क्वायर, आज पहली क्लास है रमेश कुमार,
किसी त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग अगर तीसरे भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा तो वो पाइथागोरस हो जाएगा, और पाइथागोरस का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज पर एरिया आएगा। लेकिन अगर दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है तो फिर उसका एरिया हीरोन्स फार्मूला पर निकालेंगे, और हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, पहले एस निकालिए, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ S क्या होता है, और S बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई टू कैसे होता है, आज ही के क्लास के शुरू में बताया हूं। तो पहले S निकाल लेना, S निकालने के बाद हीरोन्स फार्मूला का जो एरिया होता है वो मेरे मित्र क्या होता है, रूट अंडर S, S माइनस A, S माइनस B और मेरे मित्र S माइनस C, और मेरे मित्र क्या होता है, S माइनस C, है ना। जानते हो आप क्लास इंटरमीडिएट के 11th में जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वहाँ साइन रूल और कोसाइन रूल एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वहीं पर इसका प्रूफ है। हालांकि इसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ थोड़ा लंबा है, इसके लिए पूरा त्रिकोणमिति पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, सीधे सीधे इसको रहने दे रहा हूँ, सीधे सवाल पे आते हैं, ठीक है। चलिए आइए, जिसका प्रूफ आपको देना चाहिए मैं उसका प्रूफ जरूर दूंगा, इसका दूंगा, बट भी यूट्यूब पे दूंगा तो सब भाग जाएगा, है ना। आइए देखिए, आप लोग भाग जाइएगा, हाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्त मेरे, तो तीनों भुजा मालूम है, एरिया कैसे निकालेंगे, पहले एस निकाल लो, एस निकालोगे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो हो जाएगा 18, 18 बटे दो क्या हो जाएगा, 9 सेमी हो जाएगा। अब मेरे मित्र अगर हम इसका एरिया निकालने जाएंगे तो वेरी सिंपल होगा, अंडर रूट एस, एस मेरे पास 9 है, फिर क्या होगा मेरे मित्र, एस माइनस ए, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, एस माइनस बी, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, एस माइनस सी, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3। तो आप देखिएगा यहाँ पर रूट 9 का मान तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये 5 या 15 जो है ये मेरे मित्र रूट में ही हो जाएगा, इतना सेमी स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो 3√15 इसका आंसर होगा, 3√15, 3√15 कहीं से कोई आपत्ति होने वाला नहीं है। देखिए देखिए यहाँ पर पीडीएफ का सॉल्यूशन मिलेगा गुरुजी, मेरे मित्र थ्योरी का भी पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन का भी पीडीएफ मिलेगा, आपको सिर्फ देखना है, कुछ लिखना नहीं है। जब सवाल सॉल्व करने कहा करूँ तो सवाल सॉल्व करिए, अदरवाइज इसके अलावे आप कुछ मत लिखिए, सिर्फ देखते रहिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, मेरे मित्र अगला सवाल है, आगे आइए, क्वेश्चन का पीडीएफ अलग से दूंगा, सॉल्यूशन का पीडीएफ अलग से दूंगा, है ना, क्वेश्चन का पीडीएफ अलग से, सॉल्यूशन का पीडीएफ अलग से और थ्योरी का पीडीएफ अलग से, तीनों पीडीएफ मैं आपको दूंगा, ठीक है। आइए देखिए, तो लिखता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे मित्र इसको तो चाहो तो हीरोन्स पर बना सकते हो, लेकिन बनाने की आवश्यकता ही क्या है, ये तो पाइथागोरस का पालन कर रहा है, कहिए कैसे। तो जरा देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और बराबर होता है 5 का स्क्वायर, मेरे मित्र बिल्कुल ये बराबर है, तब तो मेरे मित्र ये समकोण त्रिभुज के एरिया से भी निकाल सकते हैं, यानी ये समकोण त्रिभुज है, है ना, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, और समकोण त्रिभुज अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। समकोण त्रिभुज में एक को 90 होता है, और 90 के सामने की भुजा सबसे बड़ी, और वो सबसे बड़ी भुजा क्या मेरे मित्र हो गया 5, ठीक है। उसके बाद जो भुजा है उसको कहीं पे लिख दो, यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख दो 4, या यहीं 3 यहीं 4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे मित्र 3 सेमी हो गया, 4 सेमी हो गया। एरिया निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुने लंब और गुने में आधार, तो मेरे मित्र हो जाएगा 1/2, लंब कितना है मेरे मित्र 3 सेमी, और आधार कितना है मेरे मित्र 4 सेमी। तो आप निकालेंगे, जैसे ही 2 से कटेगा 2 बार में 6 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6 सेमी स्क्वायर, है ना, 6 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आएगा। मेरे मित्र इसमें तो किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, किसी ऑप्शन में नहीं है, आप इसी को बना दीजिए 6 सेमी, ठीक है, इसी को बना दीजिए 6 सेमी। ऐसे आप मेरे मित्र इसको हीरोन्स फार्मूला से भी बना सकते हैं, एस निकाल लो, एस निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, मेरे मित्र ये 12/2 कितना हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। आप एरिया बनाओगे, अंडर रूट लिखो, अंडर रूट लिखो एस, एस लिख दिया, फिर देखो S माइनस ए 3 हो जाएगा, फिर देखो S माइनस बी 2 हो जाएगा, फिर देखो S माइनस सी मेरे मित्र 1 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1,
आओ गुना कर लो, ये हो जाएगा 36 और रूट 36 का मान 6 हो जाएगा मेरे मित्र, इतना सेमी स्क्वायर एरिया आ जाएगा। आप जैसे निकालना चाहो निकालो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरे मित्र गौर से आप लोग देखना, 9 नंबर सवाल मेरे मित्र, 9 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये रहा आपके सामने। अब मेरे मित्र हम थोड़े देर के लिए थ्योरी पर चलेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए ये क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेमी है और इसका एरिया 34 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आज एक ट्रायंगल है जिसके इन सर्कल यानी त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल दे दिया पूरे त्रिभुज का और कह दिया त्रिभुज का परिमाप बताइए। फिर आते हैं कंसेप्ट पे, कंसेप्ट करेंगे और साथ में मेरे मित्र हम लोग क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। आइए ये रहा आपके सामने, आइए ध्यान दीजिए। अब मेरे मित्र मैं आपके सामने लिख रहा हूं कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 पे प्रश्न कैसा आता है वो जरा देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, पहले लैंग्वेज लिखूंगा फिर प्रूफ करूंगा। किसी त्रिभुज के याद रखिएगा, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त, ध्यान देंगे अंतःवृत्त बोले तो क्या इन सर्कल है ना, इन सर्कल, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखना है अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या r तथा ध्यान से देखना अंतःवृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल डेल्टा और अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर s में संबंध होगा, में संबंध ध्यान से देखो दोस्त। देखो मैंने कहा किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी r, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा और अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर s में संबंध, तो मेरे मित्र ये संबंध होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर डेल्टा अपॉन s। अगर हम यहां से डेल्टा निकालना चाहेंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा s इंटू आर, ये हो जाएगा r इंटू s। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, कहोगे यस और नो, यस, सिर्फ डेल्टा बराबर है, सिर्फ त्रिज्या बराबर डेल्टा अपॉन s, जहां पर डेल्टा क्या है, डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ रहे हो, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और मेरे मित्र ये छोटी सी s क्या है, ये अर्ध परिमाप है, ये अर्ध परिमाप किसका, त्रिभुज का, अर्ध परिमाप किसका, त्रिभुज का, ठीक है। लेकिन मेरे मित्र ये होता कैसे है मैं आपको तुरंत दिखाता हूं, यहीं पर बस आप पेशेंस रख करके देखते रहिए। देखिए आपके सामने मेरे मित्र एक त्रिभुज है, आप कहेंगे यस सर। अब देखिए इस त्रिभुज में और क्या दिया है मेरे मित्र, इस त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ है, ध्यान दें इस त्रिभुज की तीनों भुजा, सॉरी देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, ये इसका अंतःवृत्त है। साथ ही साथ मैं त्रिभुज की अभी तीनों भुजा ले लेता हूँ, एक भुजा ए, एक भुजा मेरे मित्र मैं बी ले लेता हूँ और एक भुजा मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या भी हमें मालूम है ना, तो देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या आर दिया हुआ है, तब तो हम यही कह सकते हैं दोस्त मेरे अगर ये केंद्र है तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, ये मेरे मित्र आर है ना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब ये भी आर दिया हुआ है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ये आप थ्योरी पढ़े होंगे बचपन में क्लास 10वीं में, कहेंगे हाँ सर। तो मेरे मित्र ये बताइए त्रिभुज की तीनों भुजा हमें सारे बच्चे ध्यान से देखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। मेरे मित्र ऐसा हो जाए कि त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ रहे और इसके अंतःवृत्त भी दिया रहे और अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया रहे, तो क्या कारनामा हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या कारनामा हो सकता है। सबसे पहले तो मेरे मित्र कारनामा ये हो सकता है
कि मैं इसको इससे मिला दूं, मैं इसको इससे मिला दूं और मैं इसको इससे मिला दूं, तो आप कहिएगा सर यहाँ पर तीन त्रिभुज बन गया, कौन कौन? तो मेरे मित्र एक त्रिभुज तो आपके पास ये बन गया, कहेंगे हाँ सर। एक दूसरा त्रिभुज मेरे मित्र आपके पास ये बन गया, कहेंगे हाँ सर। और एक तीसरा त्रिभुज मेरे मित्र आपके पास ये बन गया। अब तीनों त्रिभुज में देखो, आधार मालूम ऊंचाई मालूम, आधार मालूम ऊंचाई मालूम, आधार मालूम ऊंचाई मालूम, तो एरिया तो लिख ही सकते हैं। आप कहोगे हाँ, तो मैं फिर यही कहूँगा कि मेरे मित्र आज अगर हम तीन छोटे छोटे त्रिभुज के, तीन छोटे त्रिभुज के एरिया को हम जोड़ दें तो क्या बड़े त्रिभुज के एरिया के बराबर नहीं हो जाएगा? आप कहोगे हाँ सर। तो जरा लिखो, तो देखो एक बट्टा दो, एक बट्टा दो आधार ए ऊंचाई आर, तो हो जाएगा ए आर, प्लस एक बट्टा दो आधार बी ऊंचाई आर, तो हो जाएगा मेरे मित्र बी आर, प्लस एक बट्टा दो आधार सी ऊंचाई आर, तो हो जाएगा सी आर बराबर क्या? तो मेरे मित्र तीन छोटे छोटे त्रिभुज के एरिया को जोड़ेंगे तो बड़े त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा, तो बड़े त्रिभुज के एरिया को हम डेल्टा मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे भी बड़े त्रिभुज के एरिया को डेल्टा ही माने हैं। तो आप देखिए इनमें से कुछ कॉमन आएगा, आप कहिएगा हाँ सर कॉमन आएगा। एक बट्टा दो कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है, तो फिर मेरे मित्र बच क्या जा रहा है? अंदर में आपके पास क्या बच रहा है? अब देखिए आप बच्चे नहीं है कि आपको इतना पूरी तरह से समझाना, मतलब तो ये छोटी छोटी बात करना पड़े। अब आप देखो सब में से एक बट्टा दो कॉमन आएगा और आर कॉमन आएगा, एक बट्टा दो कॉमन आएगा और आर कॉमन आएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बट्टा दो, मेरे मित्र सब में एक बट्टा दो कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, यहां से बच जाएगा ए, यहां से बच जाएगा बी और यहां से बच जाएगा सी, बराबर क्या? बराबर मेरे मित्र डेल्टा। अब मैं आपको एक ही बात पूछूंगा कि मेरे मित्र आर को अलग कर देते हैं और ये देखो ए प्लस बी प्लस सी और बटे में मेरे मित्र दो है और बराबर डेल्टा, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो फिर मैं आपसे यही पूछ दूंगा कि मेरे मित्र ये तो आर है, लेकिन बोलो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू क्या है? यही तो अर्ध परिमाप है और अर्ध परिमाप को किससे लिखते हैं? एस से, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं? एस बराबर एरिया डेल्टा। यही से मेरे मित्र आर बराबर निकलता है डेल्टा अपॉन एस। आप आराम से मेरे मित्र इसको ध्यान रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सर जी ऐप पर क्लास चलाइए। हाँ 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 हाँ, ऐप पर भी क्लास चलाएंगे मेरे मित्र, काहे घबरा रहे हैं? सर जी पानी पी लीजिए। मेरे मित्र बहुत देर से चाय रखा हुआ है, चाय ठंडा गया, मैं चाय पी नहीं पाया, है ना, अब मैं पानी पीता हूँ। ओके रामानंद जी, पानी का व्यवस्था किया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आखिरकार आप ये समझ गए होंगे, कहेंगे हाँ सर हम समझ चुके हैं। अब आते हैं सीधे सवाल पे, देखते हैं सवाल हमसे क्या मांगता है। सवाल हमसे कंसेप्ट मांगता है और कंसेप्ट हमसे सवाल मांगता है, सवाल कंसेप्ट मांगता है और कंसेप्ट सवाल मांगता है, और अपना गुरुकुल कंसेप्ट और सवाल दोनों ही आपको देगा। आइए देखते हैं इसको। मेरे मित्र एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है और उसका क्षेत्रफल 34 सेमी है, तो परिमाप हमसे निकालने कह रहा है। और मेरे मित्र आपको पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। किसी त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजा का योग होता है, जिसे हम 2s भी कहते हैं, जिसे हम 2s भी कहते हैं। तो बोलिए एक त्रिभुज है मेरे मित्र आज आपके पास, आज हमारे पास एक त्रिभुज है सर, इसके अंतःवृत्त की हमें त्रिज्या मालूम है। कितना मालूम है सर? अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें है, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें सर 4 सेमी मालूम है, 4 सेमी मालूम है। साथ ही साथ त्रिभुज का एरिया मतलब हमें डेल्टा मालूम है। डेल्टा कितना मालूम है? 34 सेमी स्क्वायर, 34 सेमी स्क्वायर। तो हम आपको क्या पढ़ाए हैं? हम आपको पढ़ाए हैं त्रिज्या बराबर, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर डेल्टा अपॉन एस। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हम 4 जानते हैं बराबर डेल्टा, डेल्टा यानी एरिया हम 34 सेमी स्क्वायर जान चुके हैं और बटे में क्या? एस। नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। देखिए सेमी से एक सेमी चला गया मेरे मित्र, यहाँ पर 2 × 4 और ये हो जाएगा 17 × 34। एस गुना 2 क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा और बराबर यहाँ क्या आ गया है? 17 सेमी आ गया है। और अब आप देखिए
क्या आपका परिमाप 2S ही परिमाप होता है ना, 2S निकल चुका है 17 सेमी, अतः आपका परिमाप निकल चुका है 17 सेमी। मेरे में 17 सेमी 17 सेमी 17 सेमी यही आपका परिमाप। अरे S निकालोगे 8.5 आएगा, तो 8.5 क्या है, परिमाप का आधा है। S क्या होता है, परिमाप का आधा। पूरा परिमाप निकालेंगे तो 2S निकालना पड़ेगा, है ना। अभी अगर हम यहाँ से मान लो कि मेरे मित्र यहाँ से S निकाल लेते हैं तो 8.5 आ जाएगा। तो 8.5 ही क्या है, ये सर अभी अर्ध परिमाप है, ये क्या है, अर्ध परिमाप। लेकिन हमसे क्या मांगा है, हमसे मांगा है पूरा परिमाप, और पूरा परिमाप बराबर क्या होता है, पूरा परिमाप बराबर होता है 2S। तो हो जाएगा 2 × 8.5, कितना निकालेंगे 17 सेमी। ठीक है, 17 17 17 17 17। चलिए मेरे मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आप कोई ये देख लेगा, कहेगा ये सब फिगर बनाने क्या जरूरत है। मेरे मित्र इसमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये बस समझाने के लिए बनाया हूँ। अदरवाइज आप अगर जब भी बनाओगे तो डायरेक्ट इतनी गुम बनाओगे क्या, सर छोटी आर बराबर डेल्टा अपॉन एस, यहाँ से एस निकल गया कितना 8.5, परिमाप चाहिए तो 2S बराबर क्या हो जाएगा 17। डायरेक्ट आंसर दे दोगे, 3 लेटर में आंसर हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गुरुजी ऑनलाइन रसगुल्ला बटवाइए, अच्छा ऑनलाइन रसगुल्ला बटवाए। आओ ध्यान दो, एक से एक आदमी हो, लेकिन यार मजा आ जाता है। देखो 14 क्वेश्चन लिया हूँ, 14 से 15 क्वेश्चन ही डेली, 15-20-30 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन लूंगा, एक दिन का चीज एक ही दिन में खत्म किया करूंगा। आओ देखो इसको, एक त्रिभुज का परिमाप मेरे मित्र है क्या बोलते हैं 30, परिमाप का मतलब क्या 2S मेरे में 30 है, तो S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा 15 सेमी, यस और नो, यस। अंतःवृत्त की परिधि है 88, मेरे मित्र मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता क्या है, सर अंतःवृत्त की परिधि दिया हुआ है, अंतःवृत्त की परिधि, तो परिधि होता है 2πr, ये दिया हुआ है 88। तो मेरे मित्र 2 × 22/7 और × r = 88 दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है, यहाँ से r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 14 सेमी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या भी मिल गया, हमें अर्ध परिमाप S भी मालूम है, हमें क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी अभी हम देख चुके हैं छोटी r बराबर क्या होता है डेल्टा अपॉन S, यही तो हम लोग पढ़े हैं, है ना। ये r क्या है सर, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, जो मेरे को 14 मालूम है, ठीक है, बराबर डेल्टा एरिया हमें निकालना है। S कितना मालूम है मेरे मित्र, हमें 15 सेमी मालूम है, तब तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 14 × 15, तो 15 × 4 = 60, अब 15 × 1 = 15, 15 × 6 = 21, 210 सेमी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 210 सेमी स्क्वायर, 210 सेमी स्क्वायर, 210 सेमी स्क्वायर, ठीक है, 210 सेमी स्क्वायर, 210 सेमी स्क्वायर। कहीं से आपको कोई आपत्ति होने वाला नहीं है, बस मेरे मित्र आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, लगातार चलते रहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं, 4 क्वेश्चन और है, ये 12वां नंबर क्वेश्चन आ गया, 11 नंबर है। अब मेरे मित्र जरा इसको देखो, 13 क्वेश्चन है, इसके बाद 3 क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल 480 है और उस त्रिभुज के बाहर स्थित वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर 5 सेमी है, तो बताइए त्रिभुज का एरिया क्या होगा। अब लीजिए, आज त्रिभुज के तीनों भुजा का गुणनफल दे दिया है 480 और मेरे मित्र त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, तो बताइए जरा सा त्रिभुज का एरिया क्या होगा। मेरे मित्र एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूं, कहिए क्या, जब कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए, कंसेप्ट पहले बता दूं तो सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है, कहेंगे हाँ सर सवाल, पहले कंसेप्ट उसके बाद सवाल, कंसेप्ट के साथ सवाल होगा तो ज्यादा मजा आएगा। मेरे मित्र देखो ये कंसेप्ट नंबर कितना है,
ये हाँ ये कंसेप्ट नंबर 4 या 5 होगा जो भी हो, कंसेप्ट नंबर हीरोन्स हीरोन्स के बाद वही समझिए 4 या 5 होगा, जो भी होगा नंबर मैच कर लेना पीछे से, ठीक है। अब देखो दोस्त, ऐसा कभी कंडीशन आ जाए कि जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है, यस और नो, आप कहेंगे यस सर। मेरे मित्र कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह का त्रिभुज है, आप कहेंगे जी सर। मेरे मित्र इसमें तीनों भुजा ए बी और सी दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है, साथ ही साथ इस त्रिभुज के बाहर से गुजरने वाले, बाहर से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम रहे, ठीक है, आर, बाहर से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या मालूम रहे हमें आर। तो मेरे मित्र याद रखना यहां पे मैं आपको, हाँ अरे बाहर से वृत्त गया तो कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या हो जाएगा, ऊपरी त्रिज्या हुआ। याद रखना किसी त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम रहे और त्रिज्या मालूम रहे तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। मैं आज आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। तो मेरे मित्र लैंग्वेज लिख देते हैं, लैंग्वेज सबका लिखे हैं तो इसका भी लिख देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना देर रुके हैं तो 5-7 मिनट और पेशेंस बना सकते हैं, ठीक है। लिख देता हूं, किसी त्रिभुज की सभी भुजा, किसी त्रिभुज की सभी भुजा का गुणनफल तथा परित्रिज्या, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, है ना, सरकम रेडियस में संबंध, ठीक है, में संबंध, ठीक है। देखिए क्या संबंध होता है, यहाँ पे संबंध मेरे मित्र सिंपल सा होता है, यहाँ पे संबंध सिंपल सा होता है, मैं वो संबंध बना के दिखाता हूँ, वो ज़्यादा याद रहेगा, आपको रटी रटाई चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं है। कहिए क्या क्या याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोलिए। मैं क्या ये बताया था, कहिए क्या बताए थे सर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ढंग से सर, थोड़ा ढंग से, क्या ए के सामने छोटी ए, बी के सामने छोटी बी और सी के सामने छोटी सी, क्या मैं आपको ये बताया था, कहिए क्या सर, क्या मैं आपको ये बताया था कि ए बट्टा साइन ए ये जो होता है ये 2R के बराबर होता है। अरे ए बट्टा साइन ए, बी बट्टा साइन बी, सी बट्टा साइन सी बराबर 2R होता है, बताया था ना, हाँ बताया था ना, तो बताओ ए बाय साइन ए बराबर 2R। मेरे मित्र अगर मैं यहाँ पर साइन ए निकालना चाहूँगा तो मेरे मित्र अगर साइन ए निकालना चाहूंगा तो ध्यान से देखना, ये साइन ए उधर ले गया तो 2R नीचे आएगा, ये हो जाएगा ए बाय 2R। बोलो यस और नो, आप सभी कहोगे यस, ये पहले जानते हो, जानते हो। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, कहिए क्या मेरे मित्र, जरा सोचो, अगर हम इस त्रिभुज का एरिया कोण ए के लिए लिखें तो क्या लिखोगे। तो कहोगे सर अगर कोण ए मालूम है और आसपास का साइड अगर बी सी मालूम है तो इस त्रिभुज का एरिया क्या लिखेंगे, तो इस त्रिभुज का एरिया लिखेंगे, ध्यान से देखना, त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आसपास के साइड का गुणनफल इनटू साइन के साथ बीच का एंगल, हो जाएगा 1/2 आसपास का साइड बी इनटू सी है और इनटू साइन के साथ बीच का एंगल, तो हो जाएगा साइन ए, यस और नो, यस। तो मेरे मित्र देखिए 1/2 ये हो गया अपने पास बी सी और इनटू साइन ए का मान यहां से रख दीजिए, ये हो जाएगा ए बाई टू आर, ए बाई टू आर। अब आपको यकीन नहीं होगा कि आपने क्या कर दिया है, आपने बहुत बड़ी चीज निकाल लिया, क्या सर, आपने निकाल लिया डेल्टा बराबर ए इंटू बी इंटू सी, यानी ए इंटू बी इंटू सी और बटे, ये देखिए 2R × 2 ये हो जाएगा 4R, ये हो जाएगा 4R। जानते हैं दोस्त आपने क्या किया, ये मेरे मित्र आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज है ना, ये किसी ट्रायंगल का एरिया है, एबीसी क्या है, मेरे मित्र ये तीनों भुजा का गुणनफल प्रोडक्ट है और मेरे मित्र ये आर क्या देख रहे हो, ये आर मेरे मित्र परित्रिज्या है, ये याद रखना।
तीनों भुजा की गुणनफल। परित्रिज्या मतलब क्या होता है? सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ध्यान से देखना है ना, किसी त्रिभुज की तीनों भुजा का गुणनफल, ठीक है, तीनों भुजा का गुणनफल, एरिया, गुणनफल और परित्रिज्या में संबंध, डेल्टा बराबर ए बी सी बाई फोर आर, ये बेहतरीन होगा। देखिए ये साइन ए बटा साइन ए बराबर टू आर होता है साइन रूल से, यहाँ से साइन ए का मान निकाल लिए है ना, और तब उस त्रिभुज का एरिया एंगल ए के लिए लिखे हैं, एंगल ए के लिए इसलिए लिखे हैं क्योंकि साइन ए का ही मान हम जानते थे, इसलिए इस एंगल के लिए एरिया क्या होगा, एक बटा दो ए, एक बटा दो आसपास के साइड का गुणनफल इंटू साइन ए, रख दिया, सॉल्व कर दिया, ये कंसेप्ट आ गया मेरे मित्र। ये एक बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट है, कहीं से आपको कोई आपत्ति नहीं होगा। अब आइए सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या दिया है, अरे क्या दिया है सर, तीनों भुजा का गुणनफल दिया है, मतलब आपको एबीसी दिया हुआ है कितना 480, ठीक है, साथ ही साथ परित्रिज्या कितना दिया हुआ है, परित्रिज्या दिया हुआ है 500। हमसे क्या पूछा, एरिया बताइए, अभी अभी हमने एरिया पढ़ा डेल्टा बराबर ए बी सी और बटे में मेरे मित्र 4r पढ़ा है, तो जरा बोलिए ए बी सी तीनों भुजा का गुणनफल तो 480 है, इंटू 4 गुना त्रिज्या हो गया 5, 20 से काटेंगे मेरे मित्र ये हो जाएगा 24, है ना, यानी डेल्टा बराबर हो जाएगा 24 सेमी स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहिए था सेमी क्यूब, तीनों भुजा का गुणनफल सेमी क्यूब, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, आप कहेंगे जी सर पूरी तरह से समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, किसी भी रूप में आपत्ति आपको नहीं हुआ होगा। चलिए मेरे मित्र अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे का ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मेरे मित्र इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जहां किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ रहता है, सॉरी तीनों मेडियंस दिया हुआ रहता है और हमें त्रिभुज का एरिया मांगता है, ठीक है, तो देखो मेरे मित्र यहां पर पहले होता क्या है कि जैसे अपने पास एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी है, ठीक है, त्रिभुज का तीनों मेडियन दिया रहता है, तीनों मेडियन, तो एक काम करते हैं कंसेप्ट लिख देते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। आते हैं कंसेप्ट पे मेरे मित्र, कंसेप्ट अंतिम की ओर जा रहा है, ये देखिए अंतिम कंसेप्ट आज का, आज का मेरे मित्र लास्ट कंसेप्ट, टुडेज लास्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट, अब देखिए लास्ट कंसेप्ट क्या है, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, माध्यिका मतलब मेडियंस, देकर देकर अगर उस त्रिभुज का, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगे, तो याद रखना, तो अभीष्ट त्रिभुज यानी जो ट्रायंगल दिया हुआ है का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 इंटू माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया, है ना, माध्यिका, एकदम ध्यान से देखना, माध्यिका से बने, से बने त्रिभुज का एरिया। देखिए दोस्त, जिस त्रिभुज की तीनों माध्यिका दे दिया और उसका एरिया पूछा है, तो पहले क्या करिए, आप तीनों माध्यिका से एक नया त्रिभुज बनाइए, उसका एरिया निकालिए और तब उसको 4/3 कर दीजिए, तो जिस त्रिभुज का एरिया पूछा है उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे मित्र। एक्चुअली जब आप मीन्स जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे या मेंसुरेशन मेरे साथ फाउंडेशन बैच में आएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, जब आपके पास टाइम होगा, तो उस समय किसी माध्यिका किसको बोलते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष से चल के आधार के मध्यबिंदु को मिलने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है, आधार के मध्यबिंदु को मिलने वाली लाइन माध्यिका। तो मेरे मित्र माध्यिका को एम से लिखते हैं, एम1 हो गया, ये मेरे मित्र क्या हो गया,
ये मेरे मित्र हमारा M2 हो गया, दूसरी माध्यिका, और ये मेरे मित्र क्या है, ये हमारा तीसरी माध्यिका M3 हो गया। तो जब मैं मेरे मित्र इसको डिटेल में त्रिभुज की तीनों माध्यिका देकर त्रिभुज ABC का एरिया पूछेगा, तो हम जब इसको डिटेल में प्रूफ करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि त्रिभुज ABC का एरिया है, त्रिभुज ABC का एरिया जब मैं प्रूफ करूंगा तो ये क्या आता है वो देखिए, 4/3 आता है और इंटू अंडर रूट, एक्चुअली ये आता क्या है वो देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, m into m - m1, ये आता है m - m2 और आता है m - m3, ठीक है। जहां पर मेरे मित्र m बराबर रहता है m1 + m2 + m3, मेरे कहने का मतलब ये हुआ by में 2, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ दोस्त, हम यहां पर क्या करते हैं, ये जो मेडियन है ना m1 m2 और m3, इससे मेरे मित्र एक कंस्ट्रक्शन कर करके सिमिलरिटी का प्रयोग करके जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो यही आता है। यही कारण है कि हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ये क्या है, ये कहिएगा कि सर ये क्या है, ये तो माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया है, जिसको 4/3 करेंगे तो त्रिभुज का एरिया आएगा। यही कारण है कि आप भी क्या करिएगा, अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका दिया रहेगा तो पहले माध्यिका से एक नया त्रिभुज बनाइएगा, उसका एरिया निकालिएगा, फिर उसको 4/3 करिएगा तो पूछे गए त्रिभुज का एरिया आएगा। आइए प्रश्न पे आते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए प्रश्न है, आज त्रिभुज की तीनों माध्यिका क्या दिया हुआ है, 9 सेमी 12 सेमी और 15 सेमी, ध्यान दो। तो मेरे मित्र आज मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है, ये देखिएगा ध्यान से मेरे मित्र, ये देखिएगा ध्यान से सभी लोग, ठीक है। त्रिभुज की तीनों माध्यिका हमें मालूम है, एक माध्यिका, दूसरी माध्यिका और तीसरी माध्यिका, तीनों माध्यिका दिया है, एक 9 सेमी दिया है, एक 12 सेमी दिया है और एक 15 सेमी दिया है। हम पहले क्या करेंगे, माध्यिका से त्रिभुज बनाएंगे, माध्यिका से त्रिभुज बनाएंगे, तो माध्यिका एक क्या है 9 सेमी, एक माध्यिका क्या है 12 सेमी और एक माध्यिका क्या है 15 सेमी, ठीक है, यही है। तो माध्यिका से एक नया त्रिभुज बना, मैं माध्यिका से एक नया त्रिभुज बना लिया PQR, तो सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ट्रायंगल PQR कैसे निकालेंगे, तो अक्सर आप देखिएगा ये ना पाइथागोरस का पालन कर देता है, नहीं भी पालन करे तो इसका एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हैं, है ना, लेकिन अगर पाइथागोरस का पालन करे तो जल्दी एरिया आ जाएगा। देखो पाइथागोरस कर रहा है पालन, कहोगे कैसे, 9 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर = 15 का स्क्वायर, मेरे मित्र ये पाइथागोरस का पालन कर रहा है, जब त्रिभुज की तीनों भुजा पाइथागोरस का पालन करे तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है, अतः ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुने लंब, समकोण बनाने वाली भुजा आधार गुने लंब निकालेंगे मेरे मित्र, ये हो जाएगा 54 सेमी स्क्वायर। तो ये जो 54 सेमी स्क्वायर आया है ये एक्चुअली माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया आया है, जबकि आपसे क्या पूछा है, आपसे उस त्रिभुज का एरिया पूछा है जिसका माध्यिका दिया हुआ है। तो मेरे मित्र त्रिभुज का एरिया निकालेंगे ABC का, तो 4/3 और इंटू इस माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया सॉल्व करेंगे मेरे मित्र, 72 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, वेरी क्लियर आंसर हो गया, 72 72 72 72 72 72, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट सवाल आज का अंतिम सवाल, क्या कहा मैंने, त्रिभुज की तीनों माध्यिका देकर त्रिभुज का एरिया पूछेगा, तो पहले तीनों माध्यिका से एक नया त्रिभुज बनाइए, उसका एरिया निकालिए, और माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया जो भी आएगा उसको 4/3 कर दीजिएगा, तो उस त्रिभुज का एरिया आ जाएगा जिसकी माध्यिका दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न पर, मेरे मित्र ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, ये ध्यान दें। अब देखिए फिर वही कहानी है, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका दिया हुआ है और त्रिभुज का एरिया पूछा है। तो मैंने तो आपको अभी अभी समझाया कि कभी भी ऐसा हो कि एक त्रिभुज की तीनों माध्यिका दे दे, देखो मेरे मित्र एक माध्यिका हो गया मेरे मित्र, ये देखो ये दूसरी माध्यिका हो गया, और ये मेरे मित्र देखो ये मेरे मित्र हमारा तीसरी माध्यिका हो गया, है ना, एक माध्यिका 18 दिया है, एक माध्यिका 24 दिया है और एक माध्यिका हमारा 30 दिया हुआ है, है ना। तो पहले हम क्या करने जाएंगे, तो मास्टर जी हम पहले माध्यिका से एक नया त्रिभुज बनाएंगे,
तो माधिका से एक नया त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक भुजा 18 सेमी है, एक भुजा 54 सेमी है और एक भुजा अपना क्या है मेरे मित्र, एक हमारा माधिका 30 सेमी है। तो तीनों माधिका से हम एक नया त्रिभुज बनाए हैं। और देखो आज नसीब अच्छा आज भी है ना, एक नया त्रिभुज हम पी क्यू आर बनाए हैं। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे पी क्यू आर का। आज देखो फिर से नसीब अच्छा है, ये तीनों ट्रिपलेट है। कैसे ट्रिपलेट है आप देख लो, 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर मेरे मित्र ये हो जाता है 30 का स्क्वायर। ये तीनों पाइथागोरस का पालन कर रहा है, तीनों मेरे मित्र ट्रिपलेट है। क्योंकि देखो ये 324, 576, 900, 900 इधर भी 900 हो जाएगा। तो मेरे मित्र जैसे ही तीनों पाइथागोरस का पालन कर रहा है तो सबसे बड़ी भुजा के सामने 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजा जो 90 डिग्री के आसपास रहता है। ये तो पढ़ते हो 1/2 गुने आधार गुने लंब। तो मेरे मित्र यहां से हो जाएगा ये 216 सेमी स्क्वायर। क्या चाहिए हमें, तो चाहिए त्रिभुज एबीसी का एरिया। इसलिए त्रिभुज एबीसी का जब एरिया निकालेंगे तो कुछ नहीं मेरे मित्र, जिस त्रिभुज की तीनों माधिका दिया हुआ था उसके एरिया निकालेंगे तो 4/3 करेंगे और इंटू माधिका से बने त्रिभुज का एरिया 216 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेमी स्क्वायर है। सॉल्व कर देंगे, यहाँ से 3 से कटेगा 72, 72 चौके हो जाएगा 288, इतना सेमी स्क्वायर हो जाएगा, इतना सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। एस्केलेन ट्रायंगल आज खत्म हो गया, कल हम एक नया ट्रायंगल शुरू करेंगे। मतलब मेंसुरेशन में टोटल 12-16 टॉपिक है, मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ाऊंगा। आप मजे से पढ़िएगा, जम के पढ़िएगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, निधि कुमारी हैं, सुजाता कुमारी हैं, भानु प्रताप सिंह हैं, रविंद्र कुमार जहां जहानाबाद से हैं, उत्तम कुमार, मोहित कुमार यादव हैं, आलोक कुमार चौहान हैं। आप सभी लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपना गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाइएगा, अपना गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाइएगा। मैं अभी आपको भेज दूंगा, ठीक है, मैं अभी आपको भेज दूंगा। जरा सा एक मिनट आपके सामने मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने इसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको आपके सामने मेरे मित्र सेव करने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने इसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एस्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, आपके सामने मैं इसको सेव करता हूँ। लीजिए, आपके सामने ये सेव हो गया, ये सेव हो गया सॉल्यूशन। अब मेरे मित्र पीपीटी सॉल्व कर दे, ये भी कंसेप्ट भी सेव कर देता हूँ, आपके सामने मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए, आपके सामने मैंने इसको सेव कर दिया, सेव हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, आप मेरे मित्र लगा आज रहिएगा शाम में टेस्ट के लिए जरूर। हम महादंगल की शुरुआत करेंगे रात में 9 बजे तैयार रहिएगा। टेस्ट का पीडीएफ भी देंगे, टेस्ट का सॉल्यूशन भी देंगे। जो भी क्लास अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल या ऐप पर होगा उसके हर चीज का पीडीएफ आपको देंगे। बस लगातार जुड़े रहना है, बने रहना है और अपने दोस्तों को बताते रहना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।